ट बिटवीन एफ आई आर एंड आई आई आर फिल्टर विद दलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपके स्क्रीन के सामने हैं डिफरेंस बिटवीन एफ आई आर एंड आई आई आर फिल्टर दिस इज दिंपल ब्लॉक डाइग्राम ऑफ डिजिटल फिल्टर वेयर इनपुट इज एक्स जेड इन जेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म एंड यू मे राइट इन डिस्क्रीट टाइम फॉर्मेट एक्स एन एंड सेम एस द आउटपुट सिग्नल इज वाई जेड इन जेड ट्रांसफॉर्म एंड और यू मे राइट वाई ऑफ एन इन डिस्क्रीट टाइम डोमेन सेम एस द ट्रांसफॉर्म फंक्शन एच जेड में ऑल्सो राइट एच ऑफ एन तो इस ब्लॉक डाइग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग एक डिफरेंस इक्वेशन लेते हैं जर्रलाइज फॉर्म में वो क्या है वो आपके सामने है दिस इज योर जर्नलाइज डिफरेंस इक्वेशन फॉर एनी एलटीआई सिस्टम और यू मे से फिल्टर फिल्टर और तो दोनों ही सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जर्नलाइज फॉर्म में डिफरेंस इक्वेशन है इस डिफरेंस इक्वेशन को लेकर चलते हैं और डिफरेंसिएट करते हैं एफ आई आर फिल्टर और आई आई आर फिल्टर को सो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस इक्वेशन ऑफ अ डिजिटल सिस्टम फॉर द मोस्ट प्रैक्टिकल केसेस मे बी रिटर्न एज जैसा मैंने आपके सामने लिखा हुआ था इस डिफरेंस इक्वेशन में कौन कौन से वेरिएबल क्या क्या है चलिए इनको डिफाइन करते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई भी एक ट्रांसफर फंक्शन है उसमें एक्स एन इनपुट है और आउटपुट वाई एन है और इसका ट्रांसफर फंक्शन एच एन है तो प्रेजेंट आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए होगा y ऑफ एन इट मींस इस इक्वेशन में इस के को हमें जीरो करना पड़ेगा अगर के इक्वल्स टू मैंने जीरो कर दिया तो ए जीरो हो जाएगा तो प्रेजेंट आउटपुट के लिए अगर मुझे y N चाहिए इट जीरो को हमें वन करना पड़ेगा इट मीन्स के इक्वल्स टू जीरो सो लेट्स सी हियर ए जीरो इक्वल्स टू वन अगर ए जीरोक्वल्स टू वन हो गया तब यह डिफरेंस इक्वेशन क्या हो जाएगा सिंस

वन मान लिया है तो प्रेजेंट आउटपुट के लिए वाई एन प्लस द सेम इक्वेशन फ्रॉम के इक्वल्स टू वन एंड फ्रॉम के इक्वल्स टू जीरो मैंने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया तो ये आ जाएगा माइनस में ये आपके सामने माइनस में आ गया देन इस डिफरेंस इक्वेशन में वेरिएबल्स क्या क्या हैं उनको देखते हैं एक्स एन

एंड बी के बोथ्स आर द फिल्टर कोफिशियंट जो कि लिखे हुए हैं तो चलिए इसको एनालाइज करते हैं इस डिफरेंस इक्वेशन को मैंने यहां पर ले लिया और वापस से इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया तो ये प्लस में आ गया देन मैं इसका जेड ट्रांसफॉर्म लूंगा तो जेड ट्रांसफॉर्म में देखिए वाई एन का तो वाई ऑफ जेड हो जाएगा का यहां पर ये y N minus K है तो ये हो जाएगा z टू दावर माइनस के ऑफ वाई जेड दी पावर माइनस के एक्स ऑफ z और यहां पर बीके मल्टीप्लाई है तो यह बीके हो जाएगा यहां पर ए के मल्टीप्लाई है तो ए के हो जाएगा Then next question will become, ये इसका जेड ट्रांसफॉर्म आ गया अब वाई जेड यहां पर भी वाई जेड यहाँ पर भी इन दोनों को कॉमन ले लेता हूं मैं मैंने कॉमन ले लिया अब ये वाई जेड है, है हमें मालूम है है ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या होता एच ऑफ जेड ऑफ जेड डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ जेड तो इस एक्स जेड को मैं इधर ले आऊंगा वाई ऑफ जेड के नीचे तो देखिए ट्रांसफर फंक्शन क्या आ जाएगा ये आ गया ट्रांसफर फंक्शन वाई ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स ऑफ जेड डिवाइडेड बाई टर्म गोस टू डिनोमिनेटर देन एक्स जेड को अब इधर ले आऊंगा मैं इस साइड में तो ये आ जाएगा दिस इज योर सिस्टम फंक्शन फॉर एल टी आई सिस्टम अब मैं सारी की सारी आगे की जो एनालिसिस है वो इसी ट्रांसफर फंक्शन को लेकर ही करूँगा कि क्या एफ आई आर फिल्टर है उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा और क्या आई आई आर फिल्टर है उसमें क्या मॉडिफिकेशन होगा तो चलिए आगे चलते हैं दिस इज योर सिंपल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एनी एल टी आई सिस्टम और यू मे से और एनी एफ आई आर फिल्टर और आई आई आर फिल्टर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसिडर हीयर द एफ आई आर फिल्टर समटाइम्स एफ आई आर फिल्टर इज ऑल्सो नोन एज ऑल जीरो फिल्टर और मूविंग एवरेज एल टी आई सिस्टम तो चलिए इसमें क्या क्या है देखते हैं इन इक्वेशन जो कि एल का जनरलाइज्ड फॉर्मेट है इसमें अगर ए के इक्वल्स टू जीरो हो जाए यानी कि ये जो वैल्यू है ये अगर जीरो हो जाए तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा डिनोमिनेटर में क्या बचेगा केवल वन बचेगा एच जेड इक्वल्स टू वाई जेड डिवाइडेड बाई एक्स जेड इक्वल्स टू समन ऑफ के इक्वल्स टू जीरो टू एम माइनस वन बी के जेड टू दावर माइनस के दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ एफ आई आर फिल्टर इसको आपको दिमाग में रखना कि एफ आई आर फिल्टर में डिनोमिनेटर में कुछ होता ही नहीं केवल वन होता है सिंपली ओके okay? इसके आधार पे मैं इसको डिफाइन करूंगा सो सिंपली दिस इज योर आउटपुट इन जेट ट्रांसफॉर्म फॉर्मेट इज बी के जेड टू पावर माइनस के एक्स जेड समेसन जितने भी इनपुट आपने लिए होंगे पहले और इन डिस्क्रीट टाइम फॉर्मेट वाई एन इक्वल्स टू इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ले लिया तो सिंपली बी के एक्स एन माइनस के अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर देता हूं कुछ वैल्यूज के लिए तो देखिए के इक्वल्स टू जीरो के लिए बी जीरो एक्स एन ये आपका प्रेजेंट इनपुट आ गया विद फिल्टर कोफिसियंट बी जीरो के इक्वल्स टू वन के लिए बी वन एक्स एन माइनस वन आ गया ये फिल्टर कोफिशियंट ये प्रीवियस इनपुट सेम एस इसका समेशन इसका मतलब ये है कि जो एफ आई आर फिल्टर है वो टोटली प्रेजेंट इनपुट यानी कि एक्स एन और प्रीवियस इनपुट पे ही डिपेंडेंट है क्लियर हो गया यहां से सो यू मे राइट द आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ

पास्ट इनपुट यानी प्रेजेंट इनपुट आपका एक्स एन हो गया और एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू एक्स एन माइनस थ्री अपन माइनस यहां पर जो प्रेजेंट आउटपुट है वो वाई एन माइनस के पे डिपेंडेंट नहीं है यानी कि आउटपुट से कोई लेना देना नहीं है एफ फिल्टर में प्रेजेंट आउटपुट के लिए इसलिए ट मींस देर इज नो फीडबैक थर्ड पॉइंट सिंस देर इज नो फीडबैक द इम्प्लीमेंटेशन इज सेट टू बी नॉन रिकर्सिव तो एफ आई आर फिल्टर को हम लोग कभी कभी नॉन रिकर्सिव फिल्टर भी बोल देते हैं क्योंकि उसमें जो प्रेजेंट आउटपुट है वो प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंडेंट नहीं होता है नेक्स्ट पॉइंट द इंपल्स रिस्पॉन्स एच एन ऑफ द एफ आई आर फिल्टर इज ऑफ फाइनाइट ड्यूरेशन एंड अगेन आउटपुट इज जस्ट अ वेटेड सम ऑफ इनपुट टर्म्स शो दैट वीड एस ए मूविंग एवरेज सिस्टम ये लाइन थोड़ा सा आगे समझ में आ जाएगा कि कैसे अगर अब थोड़ा सा हल्का सा मैं हिंट दू आपको तो वाई एन इक्वल्स टू सपोज बी जीरो है मैं बी जीरो को वन बाई थ्री लिख दू ये एक्शन आ गया प्लस बी वन को मैं टू बाई थ्री लिख दू एक्स एन माइनस वन आ गया प्लस बी टू को मैं अगेन वन बाई थ्री एक्स एन माइनस थ्री लिख दूं अगर थर्ड ऑर्डर सिस्टम है तो तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो ये जो सम है ये कुछ वैल्यूज का एवरेज है इसलिए इसको हम लोग मूविंग एवरेज सिस्टम भी कभी, कभी कभी कह देते हैं नेक्स्ट पॉइंट सिंस देयर इज नो पोल्स आपने देखा था चूंकि ए के इक्वल्स टू जीरो था एफ आई आर फिल्टर में तो डिनोमिनेटर टर्म में क्या था केवल वन था इट मीन्स एफ फिल्टर में पोल्स नहीं होते हैं ऐसा तो है नहीं अगर जीरोज हैं तो पोल होंगे इसका मतलब पोल है कहां वो सारे के सारे पोल्स ओरिजन में लाई करते हैं ओके एंड लास्ट पॉइंट एफ आई आर फिल्टर इज ऑल्सो कॉल्ड ऑल जीरो फिल्टर्स आप इस ट्रांसफर फंक्शन से देख सकते हैं कि इसमें केवल जीरोज हैं डिनोमिनेटर में केवल आपको वन मिलेगा यानी कि पोल्स नहीं होते इसलिए एफआईआर फिल्टर को हम लोग ऑल जीरो फिल्टर्स कह देते हैं तो नेक्स्ट चलते हैं आईआईआर फिल्टर की तरफ सो आईआईआर फिल्टर समटाइम्स आईआईआर फिल्टर इज आल्सो कॉल्ड पोल जीरो और ऑटो रिग्रेसिव और मूविंग एवरेज सिस्टम तो चलिए ट्रांसफार्मर के अकॉर्डिंग इसको चेक कर लेते हैं फॉर्म द सिस्टम फंक्शन ऑफ एलटीआई इन आईआईआर फिल्टर ए के यानी कि फिल्टर कोफिशिएंट ए के एंड फिल्टर कोफिशियंट बी के दोनों ही नॉन जीरो होते हैं जबकि एफ आई आर फिल्टर में ए के जो था वो जीरो था बट आई आई आर फिल्टर में दोनों ही फिल्टर कोफिशियंट ए के एंड बी के शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो देन द आउटपुट ये सिंपल डिफरेंस इक्वेशन का जेट ट्रांसफॉर्म लिया था वो आ गया था वाई जेड कॉमन इसको इस तरफ ले आए सिंपल से रीअरेंज करके इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले आए तो ये माइनस में आ गया को रीअरेंज कर दिया थोड़ा सा इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म लेकर के तो ये वाई जेट वाई एन आ गया इस फॉर्मेट में देन अब आप देखिए वाई एन आउटपुट जो है एफ आई आई आर फिल्टर केस में किस पे डिपेंडेंट है वाई एन माइनस के यानी कि प्रीवियस आउटपुट पे एन एक्स एन माइनस के प्रीवियस इनपुट पे और k इक्वल्स टू जीरो के लिए ये हो जाएगा x ऑफ n प्रेजेंट इनपुट पे इट मीन्स यू मे से आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट आउटपुट फंक्शन है किसका प्रीवियस आउटपुट का ये आपके सारे के सारे प्रीवियस आउटपुट्स हैं ये प्रेजेंट इनपुट है और ये प्रीवियस इनपुट्स हैं तो आई फिल्टर में जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पे प्रीवियस इनपुट पे और प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है सिंपल सी फॉर्मेट में इसके अकॉर्डिंग इसको डिफाइन कर लेते हैं इट्स प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन इट्स ओन पास्ट वैल्यू दैट इज वाई एन माइनस के एंड प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट ये प्रेजेंट इनपुट ये पास्ट इनपुट ये पास्ट आउटपुट्स नंबर टू सिंस प्रेजेंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन इट्स पास्ट आउटपुट सो देयर इज अ नीड ऑफ फीडबैक सो देर इज अ फीडबैक अकॉर्डिंग टू फीडबैक सिंस देयर इज अ फीडबैक द इंप्लीमेंटेशन इज सेट टू बी रिकर्सिव सिस्टम तो आई फिल्टर को हम लोग रिकर्सिव सिस्टम भी कह देते हैं क्लियर द इंपल्स रिस्पॉन्स ऑफ आई फिल्टर इज ऑफ इनफाइनाइट ड्यूरेशन दैट्स वाई इट इज कॉल्ड आई आई आर इन इनफाइनाइट इंपल्स रिस्पॉन्स फिल्टर आई आई आर फिल्टर है देख ही लिया एंड आई आई आर फिल्टर इज ऑल्सो कॉल्ड पोल जीरो फिल्टर इसमें पोल्स भी होते हैं जीरोज भी होते हैं बट एफ आई आर फिल्टर में केवल जीरोज होते हैं पोल नहीं होते हैं देन इन्हीं पॉइंट को लेकर कुछ डिफाइन किया गया जरा देख लीजिए और सिस्टम कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव स्ट्रक्चर तो आप सिंपली कह सकते हैं द इनपुट आउटपुट रिलेशन फॉर द रिकर्सिव हैज़ द फॉर्म ऑफ दिस इट मींस प्रेजेंट आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ पास्ट आउटपुट्स प्रेजेंट इनपुट एंड पास्ट इनपुट्स यानी कि जो रिकर्सिव सिस्टम है उसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट पे पास्ट इनपुट पे और पास्ट आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है सेम एस आप इसमें देख सकते हैं वाई एन वाई एन माइनस के एक्स एन माइनस के ये आपका पास्ट आउटपुट है और ये आपके पास्ट इनपुट्स हैं और k इक्वल्स टू जीरो के लिए प्रेजेंट इनपुट हो जाएगा ये देन द इनपुट आउटपुट रिलेशन फॉर द नॉन रिकर्सिव सिस्टम नॉन रिकर्सिव सिस्टम में आपको मालूम हो गया है सिंपल एफ आई आर में ए के इक्वल्स टू जीरो हो जाता है ए के इक्वल्स टू अगर जीरो हो गया तो जो पास्ट आउटपुट है उन पे डिपेंडेंट नहीं होगा तो जो प्रेजेंट आउटपुट है वो फंक्शन होगा किस किस का प्रेजेंट इनपुट का और पास्ट इनपुट्स का सिंपली तो रिकर्सिव नॉन रिकर्सिव से समझ में आ गया ये देखिए आप

दैट इज कॉल्ड कैनोनिक स्ट्रक्चर और अगर वो इक्वल नहीं है तो वो हो जाएगा नॉन कैनोनिक स्ट्रक्चर अब हम लोग चलते हैं रियलाइजेशन के फर्स्ट फेज पे कि अगर हम लोग रियलाइज करेंगे फिल्टर को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में बेसिक एलिमेंट्स क्या क्या होंगे सो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ स्ट्रक्चर नंबर वन यूनिट डिले इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे जेड टू दावर माइनस वन इनपुट अगर एक्स एन है तो आउटपुट इसका हो जाएगा एक्स एन माइनस वन ये सिग्नल फ्लोग्राफ के फॉर्मेट में है कि एक लाइन में एक एरो रिप्रेजेंट कर दिया इनपुट अगर एक्स एन है इसके ऊपर मल्टीप्लायर है ये जेड टू दावर माइनस वन तो आउटपुट क्या आ जाएगा एक्स एन माइनस वन सेकेंड मल्टीप्लायर मल्टीप्लायर आप जानते ही हैं अक्सर आपने यूज किया होगा अगर इनपुट एक्स एन है और ये मल्टीप्लायर ए है तो आउटपुट हो जाएगा ए टाइम्स एक्स एन सिग्नल फ्लोग्राफ में सिंपली एगर का एरो इधर है तो आउटपुट इज ए टाइम्स एक्स एन नेक्स्ट पॉइंट एडर आप जान समझ सकते हैं एडर दो इनपुट हैं एक्स वन एंड एक्स टू प्लस का साइन लगा दिया तो एड होकर एक्स वन प्लस एक्स टू आ जाएगा यहां पर सिग्नल फोलोग्राफ में केवल एक पॉइंट पे ये दो इनपुट इंसर्ट हो रहे होंगे तो आउटपुट समेशन में आ जाएगा एंड लास्ट इज पिकअप पॉइंट पिकअप पॉइंट में मतलब किसी सिग्नल को दो पार्ट में ले जाना है इनपुट पे एक्शन आ रहा है तो इससे अगर मैंने कोई वायर जोड़ दिया तो यहां पर भी वही सिग्नल आ जाएगा और यहां पर भी वही सिग्नल आ जाएगा सेम है सिग्नल फ्लोग्राफ में इनपुट एक ये आया यहां पर ये यह दो पार्ट में डिवाइड हो गया अब कंफ्यूजन इसमें और इसमें होता है समर में इस पॉइंट की नोड की तरफ दो एरो जा रहे होते हैं जबकि पिकअप पॉइंट में इस नोट से दो आउटपुट जा रहे होते हैं और एक ही इनपुट होता है क्लियर तो इसको जब रिलाइज करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसी भी एफ फिल्टर या आई फिल्टर को रिलाइज करने के लिए ओके देन टू बी कंटिन्यूड अब हम लोग रियलाइज करेंगे एफ फिल्टर और आई फिल्टर तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच सो प्लीज अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और इफ इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट मी इन कमेंट बॉक्स तब तब के लिए जय हिंद